आपके आ जाने से के महासप्ताह में आज देखिए अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप सब। साहब, तुम वेदिका के अच्छे दोस्त हो तो आज शाम को जरूर आना। आज हमारी एंगेजमेंट है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ ये सब एंगेजमेंट, ये सब झूठ है वेदिका जी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, यू नो दैट। ये सब शाम को खुद आके देख लेना कि सच क्या और झूठ क्या है। अच्छा, वो करण तुम आ गए हैं तो साहिल बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। फोन लगा प्राची? नहीं चाची जी, कब से ट्राई कर रही हूँ पुनीत जी को, फोन लग ही नहीं रहा है उनका। राम जाने क्या हो रहा होगा, इस साहिल को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तेरा काम हो गया ना, अब जा यहाँ से। मुझे तेरे साथ बात करनी है, अभी। अभी नहीं, और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है यहाँ पे। साहिल पुनीत जी को वेदिका जी के पास लेके गया है, इसलिए अभी कह रही हूँ जा यहाँ से। साहिल, साहिल क्या हुआ? क्या हाल? ठीक तो है साहिल? साहिल, साहिल, ये सब वेदिका माथुर का करा धरा है। सगाई कर रही है वो अपने बॉस के साथ। यश कुमार के साथ। चलो अच्छा है, उस वेदिका माथुर नाम का कचरा हमारे घर की दहलीज को गंदा नहीं करेगा। हाँ, हमारे भाई का दिल टूटा तो है, पर उस अधेड़ उम्र की औरत से हमारे पूरे खानदान का पीछा छूट गया। खैर, हमारा भाई कौन सा बड़ा महान है, आए दिन देखो पुनीत जी की बेइज्जती करता रहता है। आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते। साहिल ने जो किया उसका बदला तो हम लेकर हैं, लेकिन सही वक्त आने पर। साहिल ने हमारे साथ बुरा किया, हम उम्र में उसे बड़े हैं और उसकी हालत देखकर हम उसे माफ करते हैं, पर इस घर में हमारी बेइज्जती तो हुई है, और जिस घर में हमारी बेइज्जती हुई हो वहां रहना हमारे असूलों के खिलाफ है। इसलिए अब हम जा रहे हैं यहां से। दुआओं में याद रखना साहू साहब। नहीं नहीं दमाची, ऐसा मत कहिए, दमाद तो भगवान समान होते हैं। साहिल की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, आप रुक जाइए। हाँ जी जी, अगर आप इस घर से नाराज होके जाएंगे तो अम्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रुक जाइए। नहीं गौरी, हम पराजी को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी अम्मा को अपनी बेटी की अभी सख्त जरूरत है। चलिए हम आपका सर दबा देते हैं, बहुत तकलीफ हुई होगी ना आपको। Thank you.
ना ये क्या कर रही है मम्मा, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा है साहिल पे, जबकि उसने कुछ गलती भी नहीं की। तो सच में ये सगाई कर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इस बार मुझे यकीन है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, किसी के दबाव में आके नहीं कर रही। काश ये सच होता वेदिका, पर दुख की बात तो ये है कि अभी तक तुझे सच समझ ही नहीं आया। तू जो कर रही है ना वो कर, पर एक बात याद रखना, कुछ फैसले ऐसे होते जिन्हें पलटना नामुमकिन होता है, खासकर गुस्से में लिए गए। मैं जानती हूँ तू साहिल को अपने लाइफ से निकालना चाहती है, और ये भी मानती हूँ कि साहिल ने बहुत कुछ गलत किया है तेरी जिंदगी में, पर उसके बिना तेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं होने वाला है। साहिल तेरी जिंदगी है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और मैं ये नहीं चाहती कि ये बात तुझे उसे खोने के बाद समझ आए। इस वक्त मुझे सलाह की नहीं, एक दोस्त की जरूरत है जो मेरा साथ दे और जो मेरे लिए खुश हो। अगर तू वो नहीं बन सकती तो तू भी जा सकती है उसके पास जो तेरी नजर में सही हो और उसकी तरफदारी कर सकती है। लेकिन तू भी एक बात सुन ले, एंगेजमेंट तो होकर रहेगी, चाहे साहिल इसे कितनी भी तोड़ने की कोशिश करे। यश बेटा, रसम शुरू करें। जी। टाइमिंग है मेरी। ओ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा झूम रहा हूं, बट लेकिन मौका ही ऐसा है, आज मेरी बीवी की शादी हो रही है। अरे थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, मुस्कुराओ। अरे आप भी नाचो, थोड़ा नाचो, क्या हो गया आप सबको? ससुमाम माया मो माया, अरे आप सब क्या हो गया आप सबको? अरे आज की शाम मेरी वेदिका जी की नाम है। ओके, नो प्रॉब्लम, अगर आप में से कोई डांस नहीं करना चाहता तो मैं करता हूं। एक काम करता हूं, मैं एक स्पेशल एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस दूंगा आप सबको। सो लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर साहिल अग्रवाल एंड ग्रुप।
क्या पागलपन है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए रितिका जी कि ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? मुझे छोड़ के मेरे पैर को ठुकरा के सियावर की बनने जा रही हैं आप? सोच भी कैसे सकती हैं? नो, इस उम्र में इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती आप। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में रितिका जी? मेरे प्यार से इतनी तकलीफ हो रही थी आपको कि आप बार बार मुझे रिजेक्ट करते गई, मेरे प्यार को ठुकराते गई, लात मार दिया मेरे प्यार को आपने। इससे अच्छा बंदूक लेके यहां रखती और गोली मार देती मुझे और खत्म कर देती किस्सा वेदिका जी, वंस एंड फॉर ऑल, कहानी खत्म, साहिल खत्म। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे वेदिका जी, मैं जानता हूं। मेरा ये हाल है वेदिका जी, ये हाल है मेरा। और आप फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं किसी और के साथ। साहिल, आपका नाम? यश। यश, वैसे हम दोनों में ऐसा क्या अंतर है वेदिका जी? उसमें कुछ खास है जो मुझ में नहीं है? हाँ, मैं मानता हूं मैंने गलतियां की। हाँ, मैंने आर्या को परमिशन दी क्योंकि मैं इसे ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, मैं पुनीश तिवारी को पकड़ नहीं पाया। ये सब गलतियां की मैंने, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब गलतियां मैंने जानबूझ के नहीं की वेदिका जी। और हर गलती के पीछे भी प्यार था, और जो आपने किया है वो नफरत से भी बदतर है। क्योंकि आपने ऐसा फिर से मुझे धोखा दिया आपने, मेरा दिल तोड़ दिया आपने फिर से। जो भी वादे आपने किए थे सब फिर से झूठ निकले। आपने भी तो गलती की वेदिका जी, उस निधि से मेरी शादी करा दी आपने, अपना हस्बैंड कभी नहीं माना मुझे, मुझे अग्रवाल हाउस भेज दिया कि जा साहिल, एक जिम्मेदार आदमी बन जा, रिस्पॉन्सिबल बन, अपनी जिम्मेदारियां उठा, ये कर वो कर। और मैं ये बार बार एक्सेप्ट करता गया, एक्सेप्ट करता गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप मेरा प्यार एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ वेदिका जी कि अगर साहिल किसी से प्यार करता है तो उसके बदले उसे कभी प्यार ही नहीं मिलता। आपसे मैं आपसे
मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा, सिर्फ नफरत करूंगा मैं आपसे। अब से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत दूंगा, प्यार भरी नफरत। लोग मुझे बचकाना कहेंगे, इमेच्योर कहेंगे, ना समझ कहेंगे, लेकिन आई डोंट केयर। मेरे सामने आपने किसी और का हाथ थामा, अब मैं आपको इतनी चोट पहुंचाऊंगा अपनी बातों से, अपने करतूतों से, अपनी हरकतों से। वेट एंड वॉच। आई विल ऑल्सो हर्ट यू, दर्द दूंगा मैं आपको। मैं ना तुमसे बात करना चाहती हूँ, ना बहस करना चाहती हूँ। और आज तुमने जो कुछ भी देखा वही सच या आपका सच होगा वेदिका जी? मेरा सच आप देखेंगी। इनफैक्ट एक छोटी सी झलक देखना चाहती हैं आप? ये रिश्ता झूठा है, झूठा रिश्ता है, और इसे कभी सच नहीं होने दूंगा मैं। झूठा रिश्ता है। बड़ी अम्मा, आई एम सो सॉरी। आपने देखा ना कैसे आपकी इस बहू ने आपकी जबरदस्ती वाली बहू को साहिल की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट कर दिया। तो चलिए मुंह मीठा कीजिए, मिठाई खाइए। बड़ी मां मिठाई खाइए, मुझे पता है आपको मिठाई बहुत पसंद है। चलिए मुंह खोलिए, आ आ आ आ आ। अब वो वेदिका किसी और से शादी करने जा रही है, यश कुमार से। ये क्या किया आपने बड़ी अम्मा? मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी, आपने मिठाई थूक दिया। अरे आप देख नहीं रही हैं, आपके बेटे को इस घर में वापस ले आई हूं मैं। अब साहिल उस वेदिका के पास कभी भी नहीं लौट के जाएगा, आप देखना। ये लो खाओ खाओ खाओ, खाइए खाइए खाइए। बड़ी अम्मा अब आपकी ये हालत ठीक होने से तो रही। अंजना मम्मी ये तो आप भी जानती हैं, वो किसी काम की नहीं है। तो अब इस घर में मिसेस साहिल अग्रवाल का राज होगा। और अब आप देखना कैसे मैं धीरे धीरे सब कुछ इस घर का अपने नाम कर लेती हूँ। तो चलिए मिठाई खाइए, खाइए बड़ी अम्मा मिठाई खाइए। अगर हाथ पैर चल रहे होते हम आए तो इस वक्त गला घोट देते ही चुड़ैल का, आस्तीन का सांप पाल लिए हम अपने घर में। इसे खत्म करने के लिए हमको ठीक होना ही पड़ेगा। नहीं मैं शराब नहीं पीता माँ। तू ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या हो सकता है? आपका बेटा प्यार में हार गया माँ,
वेदिका जी ने हमेशा के लिए मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन आपका बेटा फिर भी जीतेगा माँ। हे अम्मा स्माइल, आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा घर आ गया है। हाँ बेटा, तू घर वापस आ गया, हम बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ तू इतना दर्द में है ना, हम कैसे खुश हो जाएंगे? मजाक मत करना, मैं दर्द में थोड़ी हूँ। आप सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे उनसे दूर करने में, चले गए हो, लेकिन आपका बेटा साहिल जो है ना, जुनून है उसके प्यार में, इतनी आसानी से जाने नहीं देगा उन्हें। लेकिन इस बार माँ मैं दे दो प्यार की भीख नहीं मांगूंगा उनसे, उनकी गलतियां उन्हें रियलाइज करवाऊंगा मैं। और अब साहिल के प्यार का वो जुनून जो है ना मेरे अंदर, वो नहीं देखेंगे माँ। मेरे प्यार में जो आग है ना, वो देखेंगे, वो जलेंगे वो। साहिल, ये पहली बार देख रहे हैं कि प्यार इतना दर्द भी दे सकता है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर। मेरिका जी बोलिए, गुनेगार है, क्या सजा दे इसे? उसके गुनेगार तो तुम हो साहिल। तुम्हारा मुझसे या मेरे परिवार में किसी के साथ कोई रिश्ता था, भूल जाओ। आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें, मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी से मिलने की हिम्मत कैसे की तुमने? कहीं नफरत की दीवार, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। शामिल पल पल या रब्बा, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों के साथ नहीं हो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी। आर्या के होने वाले पापा ये हैं। ओ या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर। है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।